हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे कमोडिटी मार्केट के अपडेट्स। कमोडिटी मार्केट की आज की अपडेट यानी 18 तारीख के अपडेट्स के ऊपर बातचीत करने से पहले, हमने 17 तारीख की क्या अपडेट्स ली थी, क्या स्टॉप लॉस लिखा, कौन से कमोडिटी को बाय करने कहा था, कौन से कमोडिटी को सेल करने कहा था, क्या लेवल्स लिए थे, कहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ, कहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर लॉस हुआ, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों को क्रूड बाय करने वाला था 2850 के आसपास, 2933 का टारगेट दिया था, अभी बाजार 2920 पे चल रहा है, यानी हिट है बॉस। खैर, जो मेरे साथ प्राइवेट टेलीग्राम में चैनल में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को 2900 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करवा दिया था। तो कल क्रूड में मोटा माटी 55 रुपये के आसपास का लो मारा था, जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके बाद 55 रुपये के आसपास का लो मारा था, 2850-60 के बीच की बाइंग रेंज दी थी। तो मोटा माटी क्रूड में 4000 से 4500 रुपये का आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है, YouTube देखने का वीडियो देखने का है और पैसे बनाने का है। दूसरा क्या कॉल लिया था, गोल्ड मिनी को सेल करने का था, 251 के आसपास, 251 के आसपास सेल करने का, नहीं सॉरी 200 के आसपास सेल करने का था, 47-200 के आसपास, 247-251 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, स्टॉप लॉस हो गया था। तो गोल्ड मिनी में मोटा मोटी आप लोगों को जो नुकसान हुआ होगा वो 50 रुपये पर लॉट हुआ होगा। तीसरा आप लोगों को कॉल दी थी मैंने सिल्वर की, सिल्वर को सेल करने का था 48,250 के आसपास, और रात में क्लोजिंग के आसपास इसको आप लोगों को प्राइवेट पब्लिक टेलीग्राम चैनल में बोल दिया था कि एग्जिट कर जाइए 275 के आसपास मिनिमम लॉस लेके, या फिर कॉस्ट पे, या फिर 275 पे। दूसरा आप लोगों को 42-50 के आसपास कॉपर सेल करने का कहा था, 443.60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, स्टॉप लॉस हो गया था। तो ओवरऑल कल का अगर एनालिसिस किया जाए परफॉर्मेंस शीट का, तो 400 रुपये के आसपास का मुनाफा हुआ होगा, ठीक है ना। रोज थोड़ी कौन बनेगा करोड़पति खेल सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज के लिए क्या लेवल्स और क्या स्ट्रैटेजी बन के आ रही है। क्रूड अभी चल रहा है 2914। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। अपन सिर्फ एक बैंक अकाउंट से काम करते हैं, ICICI बैंक अकाउंट, बाकी अगर कोई बैंक अकाउंट में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो तो वो हम लोगों तक नहीं आएगा, और हम लोगों तक नहीं आएगा तो उसकी कोई सर्विसेज आप लोगों को नहीं मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 8975777001 ये नंबर मेरे पास रहता है, इसी से सिर्फ और सिर्फ इसी से कॉल जनरेट किए जाते हैं, बाकी कोई नंबर से कॉल्स जनरेट नहीं किए जाते, तो ये दिमाग में रखिएगा। अगर कोई आप लोगों को दूसरे नंबर से कोई सर्विसेज हमारे नाम पर ऑफर करे तो मना कर दीजिएगा, हम कोई जवाबदारी नहीं लेंगे। मेरे दो आप लोगों को रिलेशनशिप मैनेजर के नंबर शेयर किए जाएंगे, जो मैं खुद शेयर करूंगा, सिर्फ उसको एंटरटेन करिएगा, उसको आप ट्रू कॉलर में भी देखेंगे तो अपनी कंपनी का ही नाम आएगा, बाकी कोई नंबर को एंटरटेन नहीं करने का है। सिर्फ मेरी तरफ से दो नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पे उसको एंटरटेन करना है, और 8975777001। कहीं पर भी कोई संदेह वाली चीज़ लगे तो मेरे से आप WhatsApp में या Telegram में कनेक्ट करके उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप लोगों को जवाब आधे घंटे के अंदर अंदर हर क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। चलिए, क्रूड अभी चल रहा है 2916-2917। क्रूड का लो पोस्ट हुआ है 2846 का, हाई पोस्ट हुआ है 2934 का। हाई देखिए 2934, कल आप लोगों को रेजिस्टेंस दिया था 2933 का, कल सपोर्ट दिया था 2850 का, आज का लो देखिए 2846। इसे कहते हैं लेवल्स के कमाल। डायलॉग बोलू क्या, सुबह से लेकर शाम तक क्यों करना मर मर के पैसों के लिए काम, आइए आप और हम कुछ ऐसा करें जहां पैसा करे पैसे के लिए काम। एक बंदे ने कोई कमेंट किया था कि ये टिप क्यों देते हो, पहली चीज़ उसके लिए मेरे को ये टिप यानी अपनी टिप में खुद ही पैसा क्यों नहीं बना लेते। इसके लिए मेरे पास दो आंसर हैं। एक, अगर हम लोग, हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक हम अपना खुद का काम कर लें और ये सब छोड़ दें, दूसरा आप लोगों के लिए सेवा करें। पहला ऑप्शन में हम लोग बहुत कुछ करके बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं है हम लोगों को, मेरी प्रोफाइल के बारे में आप लोग जानते नहीं हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिस्ट कहाँ पर है अपने इंडिया में, ऐसा मेरा समझना है, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम सारे लोग JNU यूनिवर्सिटी में है, तो क्या वो हमारे गवर्नमेंट के सारे की सारे इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं? नहीं होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। ओफ, चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। 2895 का पहला सपोर्ट है, 2850 का दूसरा सपोर्ट है, 2829 का तीसरा सपोर्ट है क्रूड का। बात कर रेजिस्टेंस 2929-2943-2968 मेजर फिगर है इसका 2770। जब तक 2770 को नहीं काटता है नीचे के बाजू में, तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है, तेजी करते रहो। नेचुरल गैस
सस्ती मिल रही है, सस्ती मिल रही है, भल्लो माल देख लो, 145 से 124 हो गई, टिक गई है यहाँ पे। मंडे को देखना इसकी ओपनिंग, मंडे के लिए एक स्पेशल जैकपॉट कॉल दूंगा मैं, बोलता हूँ आप लोगों को लाइक करो वीडियो को, 300 350 लाइक तक पहुँच जाते हैं, 6,500 के आसपास लोग देख रहे हैं, 6,650 के आसपास, लेकिन यार लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। खैर आप लोगों की मर्जी, काम पसंद आए तो दबाइए, नहीं पसंद आए तो नहीं दबाइए। नेचुरल गैस अभी चल रही है 124.50, इसका लो पोस्ट हुआ है 124.20 का, हाई पोस्ट हुआ है 126.20 का, इसके सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 121.60, 117.70 और 115.80, रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 126.40, 129.10, 131.70, 137 के ऊपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ 137 के ऊपर जब तक नहीं जाती, जब तक मैं ब्रह्मा जी भी अगर आके बोलेंगे कि तेजी कर ले तो मैं तेजी करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। 137 का दिमाग में फिगर रखी है मैंने, सुबह सेल करवाया हुआ है इसको 126 128 की रेंज में बोला हुआ था सेल करने, 126.20 का इसने हाई पोस्ट किया है, तो मेरे पास जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का शायद सेल पोजिशन ओपन होगा, आप लोगों को भी अगर वो भाव मिले तो वहाँ पर सेल कर सकते हैं, 129.60 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताए हैं। अच्छा क्रूड, क्रूड का आप लोगों को मैंने बाय सेल नहीं दिया, क्रूड भी जो व्हाट्सएप पर सर्विसेज ले रहे हैं और जो प्राइवेट टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको 2895 के आसपास बाय करवाया हुआ है, 2828 के स्टॉप लॉस से, टारगेट दिए हुए हैं 2929, 2943 और 2968 के, आप लोगों को भी अगर वो रेंज में मिले तो आप इसको ले सकते हैं, ये मेरी परफॉर्मेंस शीट में आ गया है, ऑलरेडी आ चुका है, अगर अभी तो व्हाट्सएप परफॉर्मेंस शीट में, अगर ये आप लोगों को भी मिल जाता है आपके रेट में तो मैं उसको उधर से निकाल के इधर कर दूंगा, दोनों दो जगह एंट्री नहीं करते हैं, एक ही जगह एंट्री होती है, या फिर यूट्यूब में या फिर व्हाट्सएप में। नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस को भी सेल कर सकते हैं जो रेंज बताई है, क्रूड को बाय कर सकते हैं। बात करता हूँ गोल्ड की, गोल्ड अभी चल रहा है 47204, 47150 का लो पोस्ट किया है, 47619 का हाई पोस्ट किया है, गोल्ड के सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 47165, अभी इसने 150 का धड़ाके से लो पोस्ट किया वीडियो बनाते बनाते, 47045, 46920 के इसके सपोर्ट नज़र आ रहे हैं, 46165, 47045, 46920, रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं 47420, 47650 और 47980, ओवरऑल इसका जो ब्रेकआउट रहेगा वो रहेगा 46750 का, जब तक 46750 को नहीं काटता है उसके बाद भी एक अहम फिगर है जो मैं आप लोगों को पिछले दो दिनों से बता रहा हूँ, 46420, 46420 को जब तक नहीं काटता तब तक इसमें मंदी नहीं आएगी, अगर उसको काट दिया तो हो सकता है बवाल हो जाए, इस बार बवाल होने के पूरे चांसेस हैं। तो गोल्ड की रणनीति क्या होगी, गोल्ड को करंट मार्केट प्राइस में बेच सकते हैं, अभी जो अभी देखिए वापस नीचे आ गया, 170 हो गया, 150 से 200 के बीच में बेचिए, वीडियो अपलोड करते करते हो सकता है आपको ऊपर के भाव मिल जाए, 251 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए टारगेट, या फिर एक काम करते हैं 47150 का लो है ना, 47150 के नीचे सेल करिए, 47255 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताए हैं 47045 और 46920 के होंगे, इसी तरह से मैं अपनी परफॉर्मेंस शीट में एंट्री लूंगा। सिल्वर, सिल्वर अभी चल रही है 48219, सिल्वर का लो पोस्ट हुआ है 48145, हाई पोस्ट हुआ है 48678 का, इसके सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 48135, 47690 और 47250, इसके रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं 48375, 48450, 48585, ऊपर के बाजू में इसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड लगता है बाजार, ओवरऑल क्या कर सकते हैं 48325, 48450 के आसपास सेल कर सकते हैं, 48601 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताए हैं, इसका अहम लेवल होगा 48600 का, ऊपर के साइड चलना है तो 48600 का पहला फिगर है, फिर 49030 का दूसरा फिगर है, अगर ये दोनों को क्रॉस करता है, 49030 को कन्विंसिंगली क्रॉस कर देता है, इनफैक्ट अब क्रॉस ही कर देता है तो हो सकता है ये वापस से नई बुलंदियों की तरफ चलने लगे, लेकिन जब तक क्रॉस नहीं कर सकता तो हो सकता है नीचे की अच्छी खासी करेक्शन भी दे दे, दोनों बाजू का व्यू है अभी, कन्फर्मेशन कहीं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सिल्वर में मंदी में ही रह के काम करना चाहिए। कॉपर, कॉपर अभी चल रही है 446.15, कॉपर का लो पोस्ट हुआ है 441.10 का, हाई पोस्ट हुआ है 447.75 का, कॉपर में एक बार तो खेल गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम वालों ने, 443.50 के आसपास बाय करवाया था, 446.50 के आसपास प्रॉफिट बुक करवा दिया है, इसके सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 441.75, 441.20, 438, रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं 450.80,
452 459 करना क्या है, 450 120 के नीचे जाए तो ही सेल करना है, नहीं तो आराम से पलटना है। घर में पैसा पड़ा हुआ है, ध्यान रखिए, स्पेकुलेशन नहीं करना है, लिवरेज इस्तेमाल नहीं करनी है, कूद कूद के बाय सेल नहीं करना है। दो चार दिन काम नहीं होगा तो भी चलेगा। 441.20 के नीचे सेल करना है 438 और 433 के टारगेट के लिए, और अगर 441.20 का माल बिक जाए तो 443.60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 443.60 कॉपर की एंट्री लूंगा मैं, सिल्वर की एंट्री लूंगा मैं, गोल्ड की एंट्री लूंगा मैं, नेचुरल गैस की एंट्री लूंगा मैं, क्रूड की एंट्री लूंगा मैं। आशा करता हूँ आप लोगों को, और शाम के करूँगा दूध का दूध पानी का पानी। एक पब्लिक टेलीग्राम में मैंने पोल चलाया था कि कोई है क्या दूध का दूध पानी का पानी करने वाला, बहुत कम, मैंने 1000-1500 लोगों के आसपास देखे होंगे, लेकिन 400 वोट के आसपास मिले। क्या यार, एक हाथ की उंगली दबाने में भी आप लोगों को तकलीफ है। चलिए खैर, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, आपको सब जगह जुड़ना चाहिए, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम में जरूर जुड़ना चाहिए। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख के कोई सौदा एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पोस्ट की जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म दिया है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं डायरेक्ट हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप सर्विसेज में और हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।